खसरा और रुबेला जैसी घातक बीमारियों के रोकथाम के लिए 26 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाले टीकाकरण अभियान के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया कि सरकार द्वारा खसरा और रुबेला जैसी बीमारियों के रोकथाम के लिए बृहद टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 9 माह से लेकर 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि मिजलस अत्यधिक संक्रामण वायरल रोग है और रुबेला भी एक संक्रामण बीमारी है। वर्ष 2020 तक मिजलस को खत्म करने एवं कंजिनेटल रुबेला सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने का प्रस्ताव दिया है। इस अभियान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य शिक्षा एवं ICDS विभाग को दिया गया है। टीकाकरण के संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया, रुबेला और मीसल्स दो बीमारी के लिए टीकाकरण 26 तारीख से चालू होने वाले उसको इंजेक्टेबल है। हर विद्यालय, हर स्कूल का बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, सबको कवर कर रहे हैं। और सबसे मैं अपील करता हूँ, ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको बचाने के लिए एक तरीका है टीकाकरण है। अपने बच्चे, कितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो 9 महीने के ऊपर और 15 साल के नीचे, ये बच्चे आकर के उसको टीकाकरण अभियान में शामिल हो जाएं, ताकि ये बाहर प्राइवेट में बहुत महंगा में टीकाकरण लगता है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट अपने खर्चा से लगा रही है। भरोसा करता हूँ आप लोग भी अपने बच्चे का लगा दें, ये मीसल्स और रुबेला वो दोनों जो बीमारी से आपके बच्चे के बचाएँ।